वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स आशा शर्मा सो आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम सो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस करने वाले हैं इससे पहले हमने क्या किया था इससे पहले हमने किए थे क्लॉजेस ठीक है बट आज हम चूँकि सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेस क्या होते हैं इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं

जैसे कि तीनों ही पार्ट हमारे सबऑर्डिनेट के हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं जो कि मैंने आपको बताया था ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है उसके बाद जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है दैट मीन्स डिपेंडेंट होती है डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि जब वो आपकी किसी ना किसी एक सेंटेंस पे डिपेंड करती हैं वट इज नाउन क्लॉज देखिए हमें एक छोटा सा डेफिनेशन भी लिखा है इसका नाउन क्लॉज is a dependent clause that take the place of any noun in the sentence wahi वही जो आपको बता रही हूँ कि ये ek dependent clause होती है ये हमेशा noun क्या होता है any person place things ये सब हमारे noun होते हैं जब ये एक जगह लेती है किसी sentence में that's called a noun clause सेकेंड आता है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं ठीक है इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है सो मैं आपको बताती हूँ नाउन क्लॉज जब भी हम किसी स्टेटमेंट में किसी सेंटेंस में या जब भी हम कोई सेंटेंस या टेंस बनाते हैं और हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा दैट uh, का एंड क्वेश्चन वर्ड्स का ठीक है यूज किया जाता है हमेशा जब भी आप नाउन क्लॉज यूज करेंगे दैट टाइम यू विल डेफिनेटली यूज दैट और द क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड यू नोज दैट वट वेयर वैन हाउ

सो नाउन क्लॉज में क्या होता है कि हमेशा टू टाइप्स के हम वर्ब्स को यूज करते हैं एक होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ठीक है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट दैट मींस प्रेडिकेट होता है देखिए सब्जेक्ट नाउन क्लॉज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है अब कैसे हम सब्जेक्ट नाउन क्लॉज का यूज करते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जब भी हम नॉन क्लॉज से सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हमेशा अपनी सेंटेंस में दैट या या फिर word, या फिर क्वेश्चन वर्ड ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं हम उसका यूज करते हैं यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से फर्स्ट दैट जॉर्ज लर्न हाउ टू स्विम इज मिरेकल ठीक है ये स्टेटमेंट है इसमें हमारा सब्जेक्ट नाउन क्लॉज है that इसके बाद जो हमारा होता है ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट या हम इसको बोल सकते हैं प्रेडिकेट ठीक है predicate. इसके बाद हेल्पिंग के बाद से जो हमारी बात है वो हम प्रेडिकेटेड ऑब्जेक्ट है उससे पहला जो है वो हमारा

ठीक ठीक है 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 ये ये एक तो और क्या से पहले जो भी हमारी स्टेटमेंट हुई है या हमने जो भी लिखा है दैट इज आवर सब्जेक्ट नाउन क्लोज और उसके बाद हेल्पिंग वर्क के बाद वो हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि जब भी हम

तो हम अपने हर स्टेटमेंट में या तो हम दैट का यूज करेंगे या हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे सो so, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये यूज हुआ है यहाँ पे दैट है वर है वॉट है एंड हावर है ठीक है ये हमारी क्वेश्चन वर्ड है और दैट है ये इसके रिक्वायरमेंट होती है अब आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब सो सी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और क्लॉजेस दैट फॉलो और रिसीव द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इस में और इसमें थोड़ी सी आप लोग सोचोगे तो सेम है सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट होता है जब भी हम सब्जेक्ट तो होता है क्योंकि डिपेंड स्टार्टिंग उससे ठीक है से, लेकिन उससे पहले हमेशा हम जो रिक्वायरमेंट होती है दैट क्वेश्चन वर्ड की वो सब्जेक्ट से पहले होता है सभी सेंटेंसेस में है लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा हमेशा स्टार्टिंग या क्वेश्चन वर्ड से ना होके हमारी सब्जेक्ट से होती है फर्स्ट देखिए आई कैन रेस्पेक्ट द टीचर सेड सो हमारा ये वर्ड से पहले हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है हमारा ये सब्जेक्ट है और आई कैन रिस्पेक्ट मैं रेस्पेक्ट कर सकता हूँ वर्ट द टीचर सेड जो टीचर ने कहा था चाइल्ड एडमिटेड दैट ही स्टोल द कुक बच्चे ने किया था स्वीकार किया था कि उसने कुकिंग चुराई थी डिड यू नोटिस क्या तुमने नोटिस किया था विंडो कि किसने विंडो तोड़ा तो यहाँ पे देखिये आप दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं फर्स्ट में जैसे आई कैन आई इज हट दीचर टीचर इज अमारा ऑब्जेक्ट ठीक है द चाइल्ड एडमिटेड एक ऑब्जेक्ट हमारा है उसके बाद भी सॉरी डिड यू नोटिस हम पूछ रहे हैं ठीक है समवन someone द विंडो window फादर कैन नॉट remember what मदर wants फॉर क्रिसमस सो यहाँ पे देखिए uh, जैसे हमारा my फादर कैन नॉट यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट है एंड मदर हमारा ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन वर्ड या दे के बाद हमने सब्जेक्ट से अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट की है और यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट से स्टेटमेंट स्टार्ट की है यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड को यूज किया है बट ऑब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो जैसे हमारा ये वर्ड है ओके okay, दैट है एंड हु इज आवर क्वेश्चन वर्ड एंड वॉट इज आवर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हमारे जितने भी जो नाउन uh, क्लॉज की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन वर्ड और दैट वो हमने मिड में यूज किया है बट सब्जेक्ट क्लॉज में आप देखिए दैट स्टार्टिंग पॉइंट इन फ्रेंट ना स्टार्टिंग पॉइंट इन ना सेम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट सो ये डिफरेंसेस होता है दूसरा होता है इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है यहाँ पे हमारे डबल होते हैं सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है ये जो भी बात हुई है वो डिपेंड हुई है इस पे तो फर्स्ट इज आवर मेन क्लॉज एंड अ पार्ट ऑफ दैट द सेकंड स्टेटमेंट डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज सेम एज लाइक अ सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं या हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं तो ये इसके दो पार्ट थे सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दैट वट इज नाउन एंड हाउ टू यूज अज

लाइक करें शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो हैव अ गुड डे